हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे बैटरी ओसीएच को डिलीट कर सकते हो अपने आईफोन से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर आकर स्क्रॉल डाउन करना है। बैटरी का आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा होगा। जनरल की लाइन में सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है बैटरी के ऊपर, एंड देन यहाँ पर आपके बैटरी हेल्थ के नीचे बैटरी ओसीएच के लिए थोड़ा बहुत लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। सिंपल अगर आप लोग यहाँ पे अपनी कोई भी पर्सनल एप्लीकेशन की यूसेज भी देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन कितनी आपकी बैटरी यूज़ करी है। देन आपको यहाँ से बैक करना है इसको डिलीट करने के लिए। जनरल का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा होगा, सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है और इसके अंदर आ जाना है। देन यहाँ पर आकर आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आना है और सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा होगा, ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन का। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है और इसके अंदर आ जाना है, और यहाँ पर आकर आप लोगों को लास्ट ऑप्शन मिल रहा होगा इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स का। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप कर देना है और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देना है। देन आप लोगों का आईफोन ऑटोमेटिकली आगे फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और आप लोगों की जितनी भी बग्स वगैरह होंगे, जितने भी आप लोगों के बैटरी यूसेज वगैरह और जितना भी डॉक्यूमेंट होगा सब डिलीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।